हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं भैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि एग वाली मेयोनीज कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। और गाइज, आज जो मेयोनीज मैं बनाने वाला हूँ ये बाकी मेयोनीज से बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम बिल्कुल मार्केट वाली मेयोनीज बनाने वाले हैं जो आपको खट्टा मीठा टाइप का मिलता है। सो उसके लिए हम देख सकते हैं, हमने तेल लिया हुआ है। इसको हमें बनाने के लिए रिफाइंड तेल चाहिए और हम एक अंडे का यूज करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे नमक ले रखा है, चीनी और सिरका यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें लहसुन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें लहसुन यूज करने वाले नहीं हैं। तो चलिए अब इसको आगे कैसे करना है आपको बताता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा जग बिल्कुल खाली है। सो इसमें हम सबसे पहले एक अंडा तोड़ के डालने वाले हैं। सो हमने एक अंडा इसमें तोड़ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक बिल्कुल कम यूज करें। और थोड़ा सा हम इसमें डालने वाले हैं चीनी और हल्का सा देख सकते हैं सिरका डालेंगे, बहुत कम। अभी हमने सिरका और चीनी भी डाला है इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल मार्केट वाली मेयोनीज बनाने वाले हैं जो खट्टी और मीठी टाइप की होती है। लेकिन अगर आप इसमें सिरका और चीनी ना डालकर सिर्फ हल्का सा नमक डालकर बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक बार आप ये भी जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसको अब एक बार हम ग्राइंडर करते हैं। इसको हल्का सा, ज़्यादा देर नहीं घुमाना, हल्का सा घुमाना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिफाइंड डालेंगे। ये देख सकते हैं रिफाइंड, आपको ज़्यादा नहीं डालना, आपको थोड़ा थोड़ा बार बार डालना है। देख सकते हैं, एक बार शुरू करेंगे यहाँ से, हमने इतना रिफाइंड डाल लिया। अब फिर इसको दोबारा घुमाएंगे। इसको घुमाएंगे कैसे ये भी आपको दिखाता हूँ। मतलब हल्का सा एक बार पूरा राउंड नहीं मारना, हल्का सा घुमाना है बस इस तरीके से। एक बार हल्का सा ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा घुमाया। फिर हमें इसमें तेल डालना है, देख सकते हैं। फिर हमने तेल डाला और फिर दोबारा ऐसे ही घुमाएंगे। सो देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट होने वाला है इसमें। तो फिर तेल डालेंगे थोड़ा सा और ज्यादा। ऐसे करते हुए आपको बार बार तेल डालना है और घुमाना है मिक्सी को। गाइज, ये क्या हुआ, ये फट गया, देख सकते हैं। ये मेयोनीज नहीं बना, ये फट गया है। सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे बनाना है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये किसको, किसी चीज में इसको डालते हैं। पहले हमने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है, देख सकते हैं ये फट गया है। और ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हम इसी जग में दोबारा एक अंडा तोड़ने वाले हैं, एक अंडा फिर हम इसमें तोड़ेंगे। फिर हम एक बार इसको ग्राइंड करेंगे। फिर हम जैसे हमने तेल को यूज किया था, देख सकते हैं हमने एक अंडा फेंट लिया है। जैसे हमने तेल को थोड़ा थोड़ा डाला था उसी तरीके से हम इसको डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसमें एक अंडा तोड़ के डालते तो ये नहीं बनता। सो ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें दोबारा ये डालूंगा, दोबारा थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ा डाल लिया मैंने। और इसको उसी तरीके से हल्का हल्का हमें इसे घुमाना है, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, हल्का सा घुमाना है बस इस तरीके से। सो देख सकते हैं इस तरीके से वो बन रहा है। सो हम इसमें और डालेंगे ये थोड़ा।
सो देख सकते हैं ये गाढ़ा गाढ़ा होते जा रहा है। सो एक बार हम इसमें फिर डालेंगे। देख सकते हैं एक ही बार में आप डालेंगे फिर दोबारा फट जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब ये सारा हम डाल देते हैं इसी में। सो गाइस देख सकते हैं हमारा मेन्यूज बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही गाढ़ा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। बाकी मेन्यूज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मेन्यूज भी है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी मेन्यूज बनाना है। देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अच्छा मेन्यूज हमने बना लिया है। देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। इसको आप मोमोस, सैंडविच वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फ्रिज में भी इसको 2-4 दिन के लिए फ्रिज कर सकते हैं, ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि एग मेयोनीज कैसे बनाया जाता है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वेज मेयोनीज कैसे बनाया जाता है, लेकिन उस मेयोनीज के हिसाब से ये वाली मेयोनीज बनाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाइए। सो गाइज करते हैं इस वीडियो में ही खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।